नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। आईपीएल पर कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में फैंस को आईपीएल रद्द होने का डर सता रहा। लेकिन इस बीच एक और बुरी खबर आई। खबर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम से। कोरोना के चलते दिल्ली की पूरी टीम को क्वारंटीन होने के लिए कहा गया। बीसीसीआई ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि दिल्ली का मैच 29 अप्रैल को कोलकाता के साथ था और कोलकाता के कुछ खिलाड़ी संक्रमित पाए गए। ऐसे में एहतियात के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को आइसोलेशन में जाने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस समय अहमदाबाद में। वहीं दिल्ली के एक अधिकारी ने कहा है, हमने केकेआर के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था, हमें क्वारंटीन में जाने की सलाह दी गई और हम सभी आइसोलेशन में, हम सब अपने कमरों में। क्वारंटीन की अवधि के बारे में जानकारी नहीं। अब इस बात की गारंटी नहीं है कि दिल्ली टीम का अभ्यास सेशन मोटेरा में मंगलवार को निर्धारित होगा या नहीं, हमें जानकारी नहीं। आपको बता दें कि जहां कोलकाता ने 29 अप्रैल को दिल्ली के साथ तो वहीं 2 अप्रैल को पंजाब के साथ मुकाबला किया था, लेकिन पंजाब के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि बोर्ड पंजाब को भी आइसोलेशन में जाने के लिए कह सकता। इसके बाद आईपीएल के आगामी कार्यक्रम पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल। वैसे आप आईपीएल को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें स्पोर्ट्स आर के साथ।